यदि आपके फोन में इमरजेंसी SOS सर्विस एक्टिवेट हो गई है तो उसे कैसे बंद करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हमारे फोन में यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी SOS इज एक्टिवेटेड दिखा रहा है और ऊपर तरफ यहाँ पे आपको देखने को SOS का यहाँ पे आपको एक लोगो देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमारा टाइम दिखा रहा है। तो इसे कैसे बंद करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको बंद करने के दो तरीके हैं। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो पावर बटन है तो उसको आपको 5 बार प्रेस करना है। जल्दी जल्दी से आप 5 बार प्रेस करेंगे आपकी ये सर्विस बंद हो जाएगी, लेकिन आपके पावर बटन से सर्विस बंद नहीं होती है। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में, देखिए आपको आना इस तरीके से, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे तो नीचे तरफ आपको यहाँ पे इमरजेंसी SOS यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। इस पर आपको क्लिक करके और आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी SOS, इस सेटिंग को आपको, इसको देखिए इस तरीके से आपको बंद कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ का आएगा, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। अगर आपकी आपको फोन में ये सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती है तो आपको सिंपली क्या करना, देखिए इस तरीके से आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। ऊपर आपको फर्स्ट सेटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेटिंग में आपको टाइप करना है SOS। देखिए इस तरीके से SOS इस तरीके से आपको सर्च करना है। SOS के बाद इमरजेंसी आप डालेंगे, देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये SOS इमरजेंसी SOS आप डालेंगे तो ये SOS सर्विस आ जाएगी। यहाँ पे आपको SOS पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से चालू मिलेगा। इसको आपको सिंपली यहाँ से इस तरीके से देखिए बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप देखेंगे आपके फ़ोन में यहाँ पे जो एक्टिवेटेड दिखा रहा था ऊपर तरफ, देखिए अभी हम आपको बैक करके दिखा देते हैं, ये ऊपर SOS सर्विस एक्टिवेटेड दिखा रहा था वो अभी आपके फ़ोन से डीएक्टिवेट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में SOS सर्विस एक्टिवेट हो जाती है किसी कारणवश, उसको बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में बंद कर सकते हैं।